हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ। जब से कोरोना का सीन हुआ है उसके बाद मैं आज वीडियो बना रही हूँ, तो मुझे अच्छा भी लग रहा है बहुत। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक प्रोडक्ट लाई हूँ जो मैं आप लोगों के सामने रिव्यू करके बताऊंगी और मेरा एक्सपीरियंस शेयर करके बताऊंगी कि वो अच्छा है, आप लोगों को लेना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले मैंने ये प्रोडक्ट ऑनलाइन मंगाई, मैंने ये अमेज़ॉन से मंगाई थी। ये स्पॉन्सर नहीं है और ये मेरी ये मुझे अच्छा लगा था। मुझे इसके अंदर जो है ना, दो इन पॉन्ड्स के दो आ रहे थे, एक ग्रीन बॉटल था और एक ब्लू बॉटल था। इसमें ये जो एसिड है ना, इसका नाम बहुत डिफिकल्ट है, मैं यहाँ लिख दूंगी, मुझे प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम हो रही है। ये मैंने इसलिए मंगाई क्योंकि आप घर पे हैं। मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, जब भी मतलब ये जो टाइम चल रहा है ना, हेयर फॉल और स्किन पे बहुत फ़र्क पड़ रहा है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। तो मुझे लगा कि मुझे अपनी स्किन का और बालों का अच्छे से केयर करना चाहिए, जो मैं कर रही हूँ। तो मैंने ये सारे प्रोडक्ट्स ऑनलाइन मंगाई। तो मैंने ये मॉइस्चराइज़र भी मंगाया क्योंकि मॉइस्चराइज़र तो आपको लगाना ही चाहिए। तो मैं मेरा रिव्यू बताती हूँ। मेरी एक ऑयली स्किन होती है, एक सुपर ड्यूपर ऑयली स्किन होती है जो मेरी है। मेरी स्किन इतना ऑयल प्रोड्यूस करती है जिसकी वजह से ब्रेकआउट्स भी हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा कोई मॉइस्चराइज़र चाहिए था जो मेरी स्किन पे अच्छे से वर्क करे, इसे ऑयली ना बनाए। और मेरी स्किन ऑयली के साथ साथ सुपर सेंसिटिव है, मतलब मैं नॉर्मल सा वैसलिन भी यूज़ कर लूँ तो मुझे रिएक्शन उसका बहुत जल्दी हो जाता है। तो मैंने ऑनलाइन बहुत रिसर्च करने के बाद ये मंगाई। ये इसमें जो ये एसिड है जिसका नाम यहाँ लिख दूँगी, तो मैंने उसके पहले बेनिफिट्स पढ़ी। इट्स वेरी गुड फॉर ऑयली स्किन, ड्राई स्किन को ये नहीं है ये, और ये पिगमेंटेशन, रिंकल्स, एक्ने, स्कार पे बहुत अच्छे से वर्क करता है। अगर आपको वुंड है तो वो उसके भी हील करता है। ये सब क्लेम किया था और एक जगह तो और भी लिखा है कि अगर आपको ऑस्ट्रियो आर्थराइटिस है उसके पेन में भी ये रिलीव करता है। ये एसिड, ये मॉइस्चराइजर नहीं है, ये जो है ना यूलोरोनिक एसिड। ये तो इतने सारे बेनिफिट्स के साथ मुझे ऑप्शन था, या मैं वो मंगाऊँ या ये। तो इसमें ये ऑयल फ्री था तो मैंने ये वाला मंगा लिया। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसके मैं पहले आपको मेरिट्स बता देती हूँ क्या क्या है। ये मेरी स्किन ये लगाने के बाद चिपचिपी फीलिंग नहीं आया, और ये लगाने के बाद ऐसा कुछ नहीं कि सुपर वर्क किया रातों रात, पिंपल्स गायब, एक्ने गायब, और इससे ऐसा कुछ नहीं हुआ, स्कार्स गायब। ये गुड मॉइस्चराइज़र है, आपको फेस वॉश करने के बाद दी लो कि आप थोड़ा सा कुछ मॉइस्चराइज़र लगा लें तो ये अच्छा है आपके लिए। और सेकंड, ये ड्राई स्किन वालों के लिए नहीं है। ये ऑलरेडी ये ऑयल फ्री है, आपकी स्किन भी ऑयल फ्री होगी तो ये आप पे वर्क नहीं करेगा। जिसकी स्किन ऑयली है ये उनके लिए बेस्ट है। इतनी बड़ी बॉटल जो 73 ग्राम्स की है 149 रुपीस में, जो काफ़ी अच्छा है। और ये क्रीम फॉर्म में नहीं है, ये जेल फॉर्म में है तो और भी अच्छा है। मैं आप लोगों को बताती हूँ, ऑलरेडी एक हफ्ते से ज़्यादा मैं इसे यूज़ कर ली हूँ। ये कुछ ऐसा है, इसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा। ये थोड़ा थोड़ा टी ट्री ऑयल जैसा उसकी खुशबू है, पर इसमें एक मिनट मैं इसकी इंग्रेड, इसमें कहीं पे भी नहीं लिखा है कि इसमें टी ट्री ऑयल है, पर इसमें इसकी खुशबू मुझे टी ट्री ऑयल जैसी लग रही है। और ये काफ़ी लगाने के बाद आपकी स्किन इसे एब्जॉर्ब कर लेती है। और जिसकी भी ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन होती है, वो वैसे भी क्रीम फॉर्म में कुछ भी लगाता है तो स्किन चिपचिपी हो जाती है और ब्रेकआउट्स का डर होता है, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये अच्छा है। मैं इसे कैसे यूज़ करती हूँ, मैं इसे 2 टाइम यूज़ कर लेती हूँ। मॉर्निंग में फेस वॉश के बाद मैं इसे लगा लेती हूँ, और मैं रात को इसे लगाती हूँ। पर मैं एक इसमें थोड़ा सा 1 ड्रॉप टी ट्री ऑयल डाल के लगा लेती हूँ, वो भी मैंने ऑनलाइन मंगाया। किस ब्रांड का मंगाया मैं उसका रिव्यू करके आप लोगों को बता दूँगी। तो ये ओवरऑल ये अच्छा प्रोडक्ट है, गुड मॉइस्चराइजर फॉर ऑयली स्किन। और चलो, ये स्पॉन्सर नहीं है तो इसकी थोड़ी सी जो चीज़ें नहीं करता है वो भी बता देती हूँ। तो ये ऐसा नहीं है कि लगाने से आपके पिंपल्स और एक्ने गायब हो जाएंगे, स्कार्स गायब हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी मैजिक नहीं है इसमें। ये सिर्फ एक गुड मॉइस्चराइजर है, अगर आप देख रहे हैं मार्केट में ऑयली स्किन है तो आप इसे ले सकते हैं। तो इसे ज़्यादा बड़ा सा रिव्यू नहीं बताती हूँ, ओवरऑल गुड प्रोडक्ट, अच्छा रिव्यू, अच्छा प्रोडक्ट है। 149 रुपीस में 73 ग्राम्स नॉट बैड पॉन्ड्स का है। और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप इसका दूसरा वाला जो मैं फोटो डाल दूंगी आप वो वाला मंगा सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए।